नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले बिहार में उपचुनाव भी होना है। विधानसभा का उपचुनाव होना है। बिहार की 3 या 4 सीटें हैं, उसमें सबसे अहम सीट जो मानी जा रही है वो है पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट, जहां से बीमा भारती पहले विधायक रह चुकी हैं। यूं छोड़ा तो अपने विधायकी पद से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव भी पूर्णिया से लड़ती है लेकिन हार जाती है। जहाँ एक तरफ निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव, उन्होंने अपने पार्टी जाप का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया, और उस वक्त महागठबंधन की तरफ से जब सीटों का बंटवारा हुआ तो पप्पू यादव को सीट और टिकट ना देकर के लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में हावी हो जाते हैं और बीमा भारती को वहां से टिकट दे देते हैं और वहां से चुनाव लड़वाते हैं। हालांकि उस वक्त पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है विधानसभा उपचुनाव में भी, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से जदयू को टिकट दिया गया है, जदयू के कालाधार मंडल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि वहां पहले से सीपीआई माले का कैंडिडेट जो है वो उतर चुके हैं, तो महागठबंधन से ये कहा जा रहा है कि सीपीआई माले को सीट मिलनी चाहिए, वहां से उन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव ने जो है वो हावी हुए और बीमा भारती को सिंबल दे दिया, यानी रुपौली से एक बार फिर से बीमा भारती जो है वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसमें अब पप्पू यादव क्या फिर से अड़ंगा बन सकते हैं? लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार क्या पप्पू यादव किसी को निर्दलीय तौर पर रुपौली में उतारेंगे? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत उतरे हैं और जीत भी हासिल की है, अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे पप्पू यादव? लोकसभा चुनाव में तो बने ही, अब क्या विधानसभा उपचुनाव में भी बनेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेला के लिए अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन 10 जुलाई को पूर्णिया जिले की रुपौली सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है और इसका एक ही कारण है, वो है पप्पू यादव। राजद ने रुपौली उपचुनाव के लिए बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से सीपीआई विकास चंद्र मंडल को उतारना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया और सीपीआई बैकफुट पर चली गई। इससे पहले भी टिकट बंटवारे में लालू अपनी ताकत झोंक चुके हैं। सभा चुनाव में भी लालू ने पप्पू यादव की मांग को अनसुना करके बीमा भारती को कैंडिडेट बना दिया था। तब पप्पू ने भरपूर विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस लालू के सामने मौन बनी रही। इसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को दूसरे और लालू की कैंडिडेट बीमा भारती को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में खुद को साइड करने किए जाने का मलाल पप्पू यादव को था, इसलिए वो चाहते थे कि रुपौली उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से राजद नहीं बल्कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। हालांकि इस बार भी लालू यादव के आगे कांग्रेस चुप रही। लालू ने बीमा भारती को ही पटना बुलाकर रुपौली से कैंडिडेट बनाकर सिंबल दे दिया। जदयू को भी नहीं जिताना चाहते हैं, वे खुलकर किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस के से उनके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इधर निर्दलीय शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा कुमारी कह रही हैं कि उन्हें पप्पू यादव का समर्थन मिल रहा है, वहीं पप्पू इसका खंडन भी कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि जिसे पप्पू का साथ मिलेगा उसकी स्थिति मजबूत होगी। प्रतिमा कुमारी बताती हैं कि हमें सभी जाति का समर्थन मिल रहा है, पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़े थे, उसी तरह मेरे पति शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, पप्पू यादव हमें समर्थन दे रहे हैं, हम लोगों को समर्थन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। शंकर सिंह पिछली बार लोजपा से लड़े थे और दूसरे नंबर पे थे, इस बार जदयू से भी संपर्क किया, नीतीश कुमार की तरफ से मदद का आश्वासन मिला लेकिन मदद नहीं मिला। चिराग पासवान के पास कोशिश की लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला। मेरे पति लोजपा की स्थापना काल साथ रहे, 2005 में विधानसभा का चुनाव जीते पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, रीइलेक्शन हुआ तो वे 1500 वोट से हार गए, हम हारे या जीते पर लोगों के बीच रहे। तो देखिए, अब पप्पू यादव से ये कहा जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव का समर्थन जिसे भी मिलेगा रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में उसकी स्थिति वहां मजबूत होगी। हालांकि पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है, वो तो चाहते हैं कि वहां से कांग्रेस को सीट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लालू यादव ने
बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब लोजपा से पिछली बार शंकर सिंह चुनाव लड़े थे, तीसरे पायदान पर थे, वहीं शंकर सिंह को इस बार न जदयू ने टिकट दिया न ही लोजपा ने टिकट दिया। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी ये दावा कर रही हैं कि उन्हें पप्पू यादव का समर्थन मिल रहा है, पप्पू यादव का साथ मिल रहा है। हालांकि पप्पू यादव ने तमाम बातों को खंडन किया है। अब भविष्य में होगा क्या, क्योंकि 10 जुलाई को चुनाव भी है, अब पप्पू यादव किसका साथ देंगे, क्योंकि जिसका भी साथ देंगे वहां उसकी पकड़ जो है वो मजबूत होगी। भविष्य जो है वो पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव का पप्पू यादव के हाथ में है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।